नमस्कार दोस्तों, कंचन की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में एकदम खुश होंगे। आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। तो चलिए हम बनाने चलते हैं। तो देखिए, मैं सूजी ले ली हूँ, 200 ग्राम है, और इसे अच्छी तरह से छन्नी में छान ली हूँ। और इधर मैं ड्राई फ्रूट ले ली हूँ हलवा में डालने के लिए, काजू हैं और पिस्ता बादाम, किशमिश, सभी को काट ली हूँ छोटी छोटी टुकड़े में। आप चाहे तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं। और इधर गैस पर कढ़ाई बैठा दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे घी। और आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिले। तो घी गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे सूजी और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से लाल भून लेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं सूजी लाल भुन जा गया है। इसे मीडियम आंच पर ही लाल भुनना है, ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएगा, अच्छा से नहीं भुनाएगा। तो देखिए इतना ही लाल भुनेंगे। तो सूजी अच्छी तरह से भुन जा गया है, अब इसमें डालेंगे दूध। दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे तब इसमें डालेंगे। तो मैं इसे उबाल ली हूँ, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। दूध गर्म है तो सावधानी से डालेंगे और गैस को मीडियम आंच पर ही रखेंगे। आप चाहे तो पानी में भी इसे बना सकते हैं, पर दूध वाला बहुत टेस्टी बनता है सूजी का हलवा। 200 ग्राम सूजी में 1 केजी दूध डालेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बैठ जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो 200 ग्राम सूजी में 200 ग्राम ही चीनी डालेंगे। अगर मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर दें, और ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा और चीनी बढ़ा दें। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट और इसे भी साथ में पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं कट करके या घिस करके। Thank you.
तो आप सभी देख सकते हैं सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे दो इलायची, इसे मैं कूच ली हूँ। आपके पास इलायची पाउडर हो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं इलायची को ही इसे कूच ली हूँ। ये मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से सूजी का हलवा बच्चों को भी टिफ़िन में बना कर दीजिए, बहुत पसंद से बच्चे खाते हैं और कम भूख में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। कोई मेहमान भी घर पर आ जाए तो इस तरीके से बनाकर और जल्दी से सर्व करके दे सकते हैं। तो अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे थाली में निकाल लेंगे, इसका डिजाइन काटेंगे, बर्फी का शेप देंगे। इस तरीके से थाली ले लेंगे और थाली में घी लगा लेंगे ताकि थाली में चिपके ना। तो चारों तरफ अच्छी तरह से मैं घी को फैला ली हूँ। आप कोई भी बर्तन में लेके सेब दे सकते हैं, आपको जैसा सेब पसंद हो। तो मैं बर्फ़ी वाला सेब देंगे। तो अब मैं इसी में रख लेती हूँ सभी सूजी का हलवा को। तो इस तरीके से पूरा थाली में फैला लेंगे हलवा। थाली में अच्छी तरह से हलवा को फैला ली हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद इसमें शेप देंगे, आपको जिस तरीके से कट करना है। तो देखिए मैं इधर कट कर ली हूँ ठंडा होने के बाद, ये बर्फ़ी का शेप मैं दी हूँ। तो इस तरीके से हलवा को बर्फ़ी का शेप देकर और मिठाई की तरह भी बना सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं बिना शेप दिए हुए भी। तो मैं आप सभी को प्लेट में प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा बर्फ़ी का शेप दिया गया है और थाली में भी चिपका नहीं है, और देखिए बिल्कुल आसानी से ये शेप छोड़ भी दे रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं बिल्कुल पेड़ा जैसा बन गया है सूजी का हलवा। तो इसी तरीके से आप सभी बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। दूध में बनाइएगा तो आप इसे पानी में भी बना सकते हैं। और इधर थाली में मैं खाना लगा ली हूँ, पूड़ी और सूजी का हलवा और साथ में छोला है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।